हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक कॉमन एरर जो मुझे आज फेस करना पड़ा। तो अगर आपको भी ये एरर आ रहा है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं ये वीडियो देख के। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, जैसे ही मैं VS कोड ओपन कर रहा था और यहाँ पर मैं अपना कोड मैप किया और मैं जैसे ही मैं टर्मिनल में जाता हूँ और न्यू टर्मिनल पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आप ये पॉपअप खुलता है और बंद हो जाता है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, फिर से न्यू टर्मिनल पर क्लिक किया और ये खुला और बंद हो गया। पता नहीं ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको दूसरे तरह से खोल के दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे व्यू में जाएं और व्यू में जाने के बाद अगर आप यहाँ डीबग कंसोल पे क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है, ठीक है। अगर आप आउटपुट पे क्लिक करते तब भी ठीक है, प्रॉब्लम्स पे करते फिर भी ठीक है, पोर्ट्स पे करते फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे हम टर्मिनल पे क्लिक करते हैं फिर से ये गायब। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ और मुझे कोई भी कोड रन करने ही नहीं दे रहा है। तो फिर से हम जाते टर्मिनल में और यहाँ पर आपको दिखेगा रन टास्क, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा फाइल्स खुला हुआ है, तो अगर मैं npm इंस्टॉल फ्रंट एंड करूँ तो इस वाले फोल्डर के अंदर में, फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर ये नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेगा। पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ एरर आता है, द टर्मिनल प्रोसेस फेल्ड टू लॉन्च, क्योंकि पावर शेल नहीं है अपने पास, ये ऐसा कह रहा है। तो अब पावर शेल तो मैं इंस्टॉल करने जाऊँगा नहीं, बहुत झंझट वाला काम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप गूगल सर्च ओपन करिएगा और यहाँ पर लिखिएगा पावर शेल नॉट ओपनिंग इन VS कोड, तो एक ये लिंक आपको मिलेगा जो कि VS कोड का डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं वो है। और यहाँ नीचे जब आप स्क्रॉल करिएगा तो आपको दिखेगा ये कह रहा है कि आपको सेटिंग्स में ये चीज़ सर्च करना है, terminal.integrated.default profile, ओके। तो ऐसा ये कह रहा है, तो चलिए करके देखते हैं। तो मैं जाऊँगा अपने सेटिंग्स में, यहाँ पर फिर से आपको सेटिंग्स खोलना है, उसके बाद ये जो सर्च सेटिंग्स है यहीं पर लिखना है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ ये क्या लिखा है, तो terminal.integrated करके लिखा है, तो हम लोग भी टाइप करते हैं इसके साथ साथ, तो terminal.integrated, ओके। तो देख सकते हैं मैं यहाँ टाइप कर दिया हूँ और नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा, एक सेकेंड, हाँ मैं फिर से इसको टाइप करता हूँ आगे, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, तो डॉट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल किया, हाँ देखिए अभी ये शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नल है, तो अगर मैं नल को चेंज करके कमांड प्रॉम्प्ट कर दूँ तो क्या ये वर्क करेगा? तो चलिए देखते हैं वापस से टर्मिनल खोल के। मुझे तो लगता है कि ये वर्क कर जाएगा क्योंकि यह पहले नल सेट था। तो मैं यहाँ पे गया और टर्मिनल खोला, देख सकते हैं टर्मिनल आ चुका है। तो बहुत बढ़िया, टर्मिनल हमारा वापस आ चुका है। पर ये टर्मिनल नहीं है, ये CMD है, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट है, पर ये भी वैसा ही काम करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आपको फॉन्ट इसका अलग अलग भी रहा होगा देखने से। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल, तो ये नोड मॉड्यूल्स को डाउनलोड करेगा। देख सकते हैं इसका लोडिंग भी कुछ अलग टाइप का हो रहा है, पर यहाँ पर सारा आना शुरू हो गया है। तो हम कुछ सेकेंड्स वेट करेंगे और ये जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस भी कुछ कुछ दिया है जो कि पहले वाले टर्मिनल में भी था, और आप मल्टीपल टर्मिनल भी यहाँ पे खोल सकते हैं प्लस आइकन पे क्लिक करके। तो देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है, ठीक है। आप गिट बैश को भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ चुका है, तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे npm स्टार्ट, ओके। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं, पहले रन डेव टाइप करते हैं क्योंकि ये वीट वाला प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर रन डेव से चलेगा। ये मुझे दे दिया लोकल होस्ट का लिंक, मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ, ये खुल गया मेरे ब्राउज़र में। आप देख सकते हैं वीट प्लस रिएक्ट लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे ये मेरा नोट्स का ऐप लॉन्च हो गया। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स करके अपना VS कोड में टर्मिनल को अगर हट गया है तो उसकी जगह पे CMD ला सकते हैं। तो ये आपको बताना है इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।